नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम आने वाला है, जिसकी तारीख कितनी है, 28 और 29। 28 और 29 को एग्जाम लगा हुआ है। तो इसके लिए जो आपके स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है, इसमें स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर आपको इसी मात्र वीडियो से आपको 10 में से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। 6 से 8 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये पूरा हम रिविजन कराएंगे, इसको आप रिविजन जरूर करिएगा। इसके बाद में इसकी अगर पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमारे एप्लीकेशन एग्जाम वेब को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दिवस के बारे में। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला दिवस, यहाँ से 2 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस में जितने भी जो भी हमारे शिफ्टें हुई हैं तो सभी शिफ्टों में 2-2 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे। तो जनवरी महीने में देखिए कौन कौन से दिवस, एक तो भारतीय प्रवासी दिवस जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी इस दिन वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और हिंदी दिवस जो हमारा भारत राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है, कमेंट में जल्दी बताइए। सितंबर में मनाया जाता है, तो आप कमेंट में बताएंगे। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था इस दिन, तो इसीलिए राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो वर्ष 2022 से मनाना स्टार्ट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब से मनाना स्टार्ट हुआ है, वर्ष 2022 से। पराक्रम दिवस ये भी वर्ष 2022 से स्टार्ट हुआ है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस इस दिन हुआ था 23 जनवरी को, इसीलिए इस दिन को पराक्रम दिवस के नाम से मनाया जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है, और 30 जनवरी को शहीद दिवस जो भारत में मनाया जाता है, कुष्ठ निवारण दिवस ये भी भारत में मनाया जाता है। फरवरी महीने में देखते हैं तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, और विश्व दलहन दिवस ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग गौर करिएगा, इससे संबंधित आप एक बार जरूर देखिएगा। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को विश्व सुरक्षा दिवस, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के शहीद दिवस पर विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। देखिए शहीद दिवस मनाया जाता है किसके उपलक्ष में, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च को फांसी दी गई थी, तो इस वजह से इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, और विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है 23 मार्च को। विश्व टीबी दिवस या क्षय रोग कह सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 24 मार्च को। अप्रैल की बात की जाए तो अप्रैल में 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 6 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस है। तो यहाँ पर आप देखिए इंपॉर्टेंट आपके कौन कौन से अभी तक आ चुके हैं, हमने 4 महीने कवर किए, तो जिसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं, एक तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, एक राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। पराक्रम दिवस ये 23 जनवरी को मनाया जाता है, 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है, तो ये भी नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर पूछे जाएंगे। इसके बाद में बाकी आपको सरल हैं, सारे याद हो गए होंगे, क्योंकि ये पहले से ही आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कभी ना कभी, तो ये तो याद हो गए होंगे। इसके बाद में फरवरी में एक कैंसर दिवस इंपॉर्टेंट है, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम है। इसके बाद में
अगला देखिए मार्च में, तो मार्च में जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है 4 मार्च को, ये इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो सभी को पता होता, तो ये ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद में विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, ये इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को क्या पता रहता है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के शहीद दिवस पर 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता था, शहीद होने की वजह से शहीद दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती की सभी को होती है, और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व हीमोफोलिया दिवस 17 अप्रैल, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भारत की कितनी साइट्स हैं, तो 42 साइट्स यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में सम्मिलित हैं, विश्व विरासत धरोहर स्थल में सम्मिलित की गई हैं। तो ये चीज आपको बतानी होगी। 2 साइट्स अभी 2023 में ऐड की गई हैं, कब 2 साइट्स ऐड की गई हैं, तो इनके बारे में भी आपको जानना होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि अभी हाल ही में साइट्स ऐड हुई हैं सितंबर माह में, तो हो सकता है क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ये जो अप्रूव्ड पहले से ही हो जाती हैं कि कौन कौन सी, मतलब एक तरीके से बिल पहले से ही पहुँच जाता है कि ये विरासत स्थल में आनी चाहिए, तो ये चीज़ें पहले पहुँच जाती हैं। इसके बाद में अगला देखिए, मई में 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, और 15 मई को विश्व परिवार दिवस, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। इम्पॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये सभी को पता रहता है, तो ये ज़्यादा खास इम्पॉर्टेंट नहीं, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। इसके बाद में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस पर ये चीज़ मनाई जाती है। जुलाई में 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय इनका जन्मदिन होता है 1 जुलाई को, और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस इम्पोर्टेंट है, 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, और 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, इम्पोर्टेंट है ये, और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से, तो क्योंकि अभी आपने सुना हुआ खबरों में रहा है कि भारत ने बाहर से बाघ मंगाए हैं, कुछ बाघ मंगाए हैं, तो ये खबरों में रहा है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट बन सकता है। जनवरी में भी हमने एक पढ़ा था राष्ट्रीय युवा दिवस, वो कब मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट बताएं, किसके उपलक्ष में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन 5 सितंबर को हुआ था, तो इसीलिए 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 15 अगस्त को तो पता ही होगा सभी को। इसके बाद 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। किसके जन्मदिन पर, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाती है, 8 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को, और 16 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है। अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस अक्टूबर में मनाया जाता है। यहाँ पर इसको एक बार देखिए कि 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 12 अगस्त को, ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको एक बार बता दे रहे हैं वापस से, 12 अगस्त को मनाया जाता है, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे,
इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को, और अगर पूछा जाए 12 जनवरी को सर क्या मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे, क्या मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, एक मनाया जाता है 12 अगस्त को, एक मनाया जाता है 12 जनवरी को, तो कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, डेट एक ही है दोनों की, बस मंथ जो है वो अलग है, मंथ क्या है अलग है, एक में अगस्त है, इंटरनेशनल अगस्त है, और नेशनल नेशनल कैसा है जनवरी हो जाएगा, याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना, राष्ट्र पहले है बाकी सब बाद में है, तो अपना देश पहले बाकी सब बाद में, तो जनवरी आ जाएगा तो समझ लीजिए नेशनल यानी मतलब राष्ट्रीय, और अगर जनवरी के बाद का है अगस्त है तो समझ लीजिए अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाद में, इससे हमें क्या लेना देना। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। विश्व पशु दिवस इंपॉर्टेंट है 4 अक्टूबर को, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, ये इंपॉर्टेंट है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, और 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। 14 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल की स्मृति में मनाया जाता है। 9 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सेवा दिवस। 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय संविधान दिवस और राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर को हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। दिसंबर में देखते हैं तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय नौसेना दिवस भी इंपॉर्टेंट है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 6 दिसंबर को राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा दिवस। 10 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, दिसंबर के ही महीने के चल रहे हैं। 23 दिसंबर को किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन इसी दिन हुआ है। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, जो साहिबजादा जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है, इस नोट को पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2016 को अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष तथा 2017 को विकास हेतु सतत पर्यटन का वर्ष घोषित किया था, और यूएनओ महासभा ने 2019 को देशीय भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। 2019 को क्या किया गया था, अंतरराष्ट्रीय वर्ष, देशीय भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, जबकि 2016 को अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया था, और 2017 को विकास हेतु सतत पर्यटन का वर्ष घोषित किया था। देखिए करेंट अफेयर्स का ये टॉपिक है, हालांकि पुराना है लेकिन आपको बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, समकालीन संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दशक में देखते हैं कौन कौन से आ जाते हैं। तो 2011 से 2020 तक कौन सा चला है, उपनिवेशवाद उन्मूलन के लिए तृतीय अंतर्राष्ट्रीय दशक, जैव विविधता का दशक, सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन का दशक। 2014 से 2023 सभी के लिए बहनीय यानी सस्टेनेबल ऊर्जा का दशक। 2015 से 2024 अफ्रीकी आदिवासी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक। इसके बाद में प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं, फ्रांस का क्या है लिली, नीदरलैंड का शेर, ईरान का गुलाब का फूल, यूके का भी गुलाब का फूल, स्पेन का ईगल, यूएसए का गोल्डन रॉड, जापान का गुलदाउदी, इटली का सफ़ेद लिली, भारत का अशोक स्तंभ, तुर्की का चांद तारा, नॉर्वे का शेर, बांग्लादेश का वाटर लिली, कनाडा का मैपल लीफ, ऑस्ट्रेलिया का बैटल, न्यूजीलैंड का कीवी सदर्न और क्रॉस फर्न। प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय पशुओं के बारे में देखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा, कंगारू, कनाडा का कौन सा है, गंजा ईगल, और जापान का है आइबिस, न्यूजीलैंड का कीवी, यूनाइटेड किंगडम का क्या है, रॉबिन रेड ब्रेस्ट, और भारत का है बाघ। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, 6 के 6 आप इनको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिविजन कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, कनाडा का गंजा ईगल, न्यूजीलैंड का कीवी, यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेड ब्रेस्ट, और भारत का बाघ। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों पर नजर डालते हैं, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक कहाँ का है, उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश में मोस्टली रहता है, और कथकली केरल का है, मणिपुरी कहाँ पर है, मणिपुर में है,
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम केरल का है, और ओडिसी का है? ओडिशा का है, ओडिसी। और सत्रिया कहाँ का है? असम का सत्रिया है। ये शास्त्रीय नृत्य हैं जो आपको याद रखने होंगे, ज़्यादा नहीं, 8 नृत्य हैं, इनको याद कर लीजिए। यहाँ से ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक बार रिविजन करते हैं, रिविजन में आपको सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए, तो रिविजन एक बार कर लीजिए। शास्त्रीय नृत्यों का रिविजन करेंगे। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम है, इसे याद कर लीजिए। तमिलनाडु भरतनाट्यम। केरल का कथकली, कासे केरल कासे कथकली। केरल का कथकली। कथक कहाँ का है? कथक है उत्तर भारत, या फिर उत्तर प्रदेश का भी कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक। कुचिपुड़ी ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। ओडिशा, ओडिसी कहाँ का? ओडिसी का, ओडिशा का। सत्रिया कहाँ का? असम का। मोहिनीअट्टम केरल का है, और कथकली भी केरल का है। मणिपुरी ये मणिपुर का है। तो आपको कितने याद करने होंगे? एक तो बहुत महत्वपूर्ण है कथक, भरतनाट्यम तमिलनाडु सभी को पता होगा, कथकली केरल, और मोहिनीअट्टम केरल, ये दोनों भी आप याद कर लीजिए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश लगभग लगभग सभी को पता रहता है। ओडिसी का तो आप आइडिया से ही बता देंगे, आइडिया लगा लेंगे। मणिपुरी का भी आइडिया लगा लेंगे। अब हम बात करते हैं आधुनिक काल के चित्रकार और उनके द्वारा बनाए गए चित्र। अवनींद्रनाथ ठाकुर, इन्होंने भारत माता स्वतंत्रता का स्वप्न, इनका ये चित्र बनाया है। इसके बाद में अमृता शेरगिल, इन्होंने नींबू बेचने वाले का चित्र बनाया है। नंदलाल बोस ने गांधी जी की डांडी यात्रा का चित्र बनाया है। असित कुमार हल्दार ने नववधु और कच्छ देवयानी का चित्र बनाया है। गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने स्वप्न लोक का चित्र बनाया है। मकबूल फिदा हुसैन ने घोड़ा सभ्यता और हिंसा का चित्र बनाया है। मनी और क्षितेंद्र मजूमदार मनीष डे ने ये इन जो क्षितेंद्र इनका है वो प्याऊ का चित्र बनाया है। यामिनी राय ने काला घोड़े का चित्र बनाया है, और क्षितेंद्र ने किसका कराया उसका क्षितेंद्र मजूमदार क्षितेंद्र मजूमदार ये एक ही प्राणी है। क्षितेंद्र मजूमदार इन्होंने किसका बनाया है? प्रतीक्षा का बनाया है। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादकों के बारे में जान लेते हैं। यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन 100% आप लिख के ले लीजिए, एक से दो क्वेश्चन आपके यहां से फंसेंगे। इसी मात्र इतने से ही टॉपिक से आपको एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सरोद वाद्य यंत्र है, इनसे संबंधित प्रमुख वादक कौन कौन से हैं? अजमत अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, विश्वजीत राय चौधरी, और जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा। ये सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित वादक हैं। इसके बाद में हम सितार को देखते हैं, ये यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बिलायत खां, बंदे हसन और शहीद परवेज, इसके बाद उमा शंकर मिश्र आदि। इसके बाद में शहनाई का देख लेते हैं, बिस्मिल्ला खां, दयाशंकर, जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां आदि। वायलिन से कम आते हैं तो आप इनको देख लीजिए एक बार, विष्णु गोविंद जोग हैं, डॉक्टर एन राजन हैं, एल सुब्रमण्यम, संगीता शंकर, कुनकैडी, वैद्यनाथ और टी एन कृष्णन, ये सभी किससे हैं? तबला से ये इम्पोर्टेंट है, सितार इम्पोर्टेंट है, और क्या है, सरोद इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक शहनाई से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था शहनाई से। तबला देखिए, जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, अल्लार खां और गुदई महाराज, किशन महाराज, फयाज खान। बांसुरी से देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, बी कुजमड़ी, एन लीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकड़ी आदि। वीणा से संबंधित हैं एस बालचंद्रन, बरुद्दीन डागर, कल्याण कृष्ण भागवतार और बी दोरोस्वामी अयंगर। और संतूर से संबंधित हैं भजन सोपोरी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शिव कुमार शर्मा, इसको आप देख लीजिए, ना ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रमुख लोक कला के बारे में बात की जाए तो मांडवा लोक कला है, ये राजस्थान की लोक कला है। कहाँ की लोक कला है? राजस्थान की। चौक पूर्णा ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की लोक कला है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेहंदी ये लोक कला कहाँ की है? राजस्थान की है। तो राजस्थान की दो लोक कला होंगी, एक तो मांडवा होगी, एक तो मेहंदी होगी। रंगोली कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। सातिया कहाँ की है? गुजरात की। और इसके बाद में गोदना कहाँ की है? बिहार की। और अर्पण कहाँ की है? अर्पण भी बिहार की लोक कला है। अर्पण कहाँ की? बिहार की लोक कला है।
इसके बाद में हम लोक नृत्यों के बारे में जानते हैं। तो राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो झूमर है, घापल है, फूंदी है, पनिहारी है और गणगौर है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावड़ी, नकटा, नकटा और कोली। ये महाराष्ट्र में क्या होता है, लावड़ी होता है, नकटा होता है, कोली होता है और गौरीचा होता है, ललिता, तमाशा, मौनी, पोवड़ा, पोवाड़ा। मेघालय का देख लीजिए लाहो, बांग्ला। गोवा का मांडी, झागोर और खोल, दखनी। राजस्थान में देखिए, राजस्थान में झूमा, राजस्थान में झूमे और राजस्थान गणगौर, गढ़ में गए, राजस्थान का गढ़ में झूम झूम के, ऐसे तरीके से ट्रिक आप कहानी तौर पे याद कर लीजिए। महाराष्ट्र में आप याद करना है आपको महाराष्ट्र में मौनी, महाराष्ट्र में क्या है, मौनी। इसके बाद में गोवा में देखिए मांडी, झागोर, खोल, ढकनी। तो गोवा में मंडी बना के झागोर गया खेलने। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य, मुखौटा नृत्य कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। कर्नाटक में यक्ष, कर्ण यक्ष गान, कर्ण यक्ष आप याद कर लीजिए, कर्ण यक्ष, कर्ण यानी कर्ण, यक्ष गान, यक्ष ज्ञान। तो जो भी हम यक्ष ज्ञान होता है वो कहाँ सुनते हैं, कान से सुनते हैं, कर्नाटक, कर्ण से कर्नाटक। यक्ष ज्ञान यानी कुनीता, कर्ण कुनीत, कर्ण कुन, कर्ण कुन, ऐसे याद कर लीजिए। करगा लांबी, झारखंड छऊ, सरहुल, जट जटिन, कर्मा, विदेशिया। उत्तराखंड का गढ़वाली, कुमायू, कजरी, रासलीला। उत्तराखंड में रासलीला करने गए लोग। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी जो कि शास्त्रीय नृत्य भी है, और मोहिनी अट्टम ये भी शास्त्रीय नृत्य है। छत्तीसगढ़ पंडवानी, गौड़ी कर्मा, झूमर, टपाली, नवारानी। हिमाचल प्रदेश में धमान और डांगी, थाली, छेता, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। गुजरात में आप गरबा देख लीजिए और डांडिया देख लीजिए। इसके बाद में रासलीला, लास्या भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। असम में देखिए बिहू, बिछुआ और बुगुरुम्बा, और क्या हो जाएगा, बुगुरुम्बा हो जाएगा। पश्चिम बंगाल काठी, गंभीरा, जात्रा और कीर्तन भी यहाँ का इम्पोर्टेंट है। केरल का देखिए कथकली जो कि शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, और काली अट्टम, कथकली, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम। इसके बाद में मणिपुर का मणिपुरी देख लीजिए, राखल देख लीजिए, नटराज देख लीजिए, महाराज देख लीजिए। ओडिशा का ओडिसी हो जाएगा, सवारी, घूमरा, पैंका, मुडरी। नागालैंड का चोंग, खैबा, लीम, नूरीलाम और पंजाब का भांगड़ा। मिजोरम खानट्टम, पाखुपिला, चेरोकान। जम्मू कश्मीर रऊप, हिकात, कूद, डांडी नाच। तमिलनाडु भरतनाट्यम जो कि शास्त्रीय, और कुमी और कोलट्टम। उत्तर प्रदेश का रासलीला, नौटंकी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज के जो इस वीडियो में हमने कुछ टॉपिक कवर किए हैं, जैसे टॉपिक क्या क्या कवर किए इनको हम एक बार देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हमने सबसे पहले कवर किया था महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, किसके बारे में कवर किया था, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में समझा था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके दो पक्का फंसेंगे, क्वेश्चन कितने फंसेंगे आपके, दो क्वेश्चन पक्का फंसेंगे, तो इस चीज़ को आप देखिएगा। दिवस के बाद में हमने कुछ दशक भी लिए थे, यहाँ पर ऑब्लिक में लगा लीजिए दशक, तो यहाँ से एक क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए आपसे। और इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक हमने कवर किया था, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, किसको कवर किया था, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है पूछ भी लिया जाए, क्योंकि लास्ट ईयर तो नहीं आया था लेकिन उससे पहले आया था, तो इसलिए इस बार पूछा जा सकता है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछा जा सकता है। और राष्ट्रीय पशु तो हालांकि सभी को पता रहते हैं, इसके बाद में आपको कवर नहीं कराया है, लेकिन आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यहाँ पर आप मुद्राओं की पीडीएफ देख लीजिए, मुद्राओं को देख लीजिए, मुद्राओं से दो क्वेश्चन तो पक्का पूछे जाएंगे, मुद्राओं से, यहाँ मुद्राओं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुद्रा किस देश की राजधानी क्या है और उसकी मुद्रा क्या है, साथ ही साथ में विभिन्न देशों की संसद से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको भी आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए विभिन्न देशों की संसद। यहाँ से क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में संसद भवन का निर्माण हुआ है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसके बाद हमने जो टॉपिक कवर किया है वो किसके लिए कवर किया, अगला जो टॉपिक कवर किया था वो कवर किया था हमने शास्त्रीय नृत्य को देखा था,
किसको देखा था? शास्त्रीय नृत्य को देखा था, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। इसके बाद में जो अगला टॉपिक देखा था और क्या देखा था, चित्रकार उनके द्वारा बनाए गए चित्र और लोक नृत्य को देखा था। और इसके बाद में हमने देखा था वाद्य यंत्र और उनके वादक, वाद्य यंत्र और उनके वादक, इनको देखा था। तो ये टॉपिक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है शास्त्रीय नृत्य से, एक क्वेश्चन बनेगा, दो क्वेश्चन लोक नृत्य से और एक क्वेश्चन यहाँ से। तो आपके लगभग कितने क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएंगे? तो यहाँ से आपके करीबन 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 से 8 क्वेश्चन मात्र इसी पीडीएफ से पूछे जाएंगे। आपने अगर वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एक दो बार और देखिए रिवीजन हो जाएगा। पीडीएफ के लिए आप एग्जाम वेब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे और आपको फ्री में आपको यहाँ पर सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर काफ़ी कोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगे, तो आप एक बार विजिट जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। सभी दोस्तों को धन्यवाद, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।